उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से गुस्साए भीड़ ने पथराव के बाद फूके वाहन, पुलिसकर्मी और अफसर हुए घायल। हल्द्वानी में अब तक 100 से ज्यादा लोग हुए घायल, कल बंद रहेंगे सभी स्कूल। सीएम धामी बोले, कोई भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश, सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन। काशी और मथुरा पर सीएम योगी के बयान का समर्थन, साधु संतों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से की अपील, कहा मुसलमानों का काशी और मथुरा पर दावा छोड़कर हिंदुओं को सौंपना देश के आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होगा। 6 घंटे के बाद खत्म हुआ किसानों का धरना, रात 8 बजे सीपी लक्ष्मी सिंह के साथ हुई मीटिंग। दिल्ली के महामाया फ्लाईओवर पर चल रहे किसानों का धरना हुआ खत्म, घंटों तक लगा हुआ था जाम। उत्तराकाशी में मंदिर तोड़कर ही बनी मस्जिदें, पुष्टि के लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं, एमयू प्रोफेसर इरफान हबीब का बयान। 9 से 10 फरवरी तक कई घंटों तक ट्रेन के टिकट नहीं हो सकेंगे बुक, ना होंगी कैंसिल, दिल्ली पीआरएस सर्विस रहेगी बंद। उल्हासनगर के बाद दहिसर में गोलीकांड से दिल्ली मुंबई उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषलकर पर चली 3 गोलियां। भाजपा के साथ आ सकते हैं राज ठाकरे, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली से आया न्योता। अभिषेक घोषालकर पर हमले के बाद आक्रामक हुए आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में बढ़ गई है गुंडागर्दी। अयोध्या में राम मंदिर को 7 फरवरी को 10 लाख रुपए का चंदा मिला। पीएम मोदी, ओबीसी नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ओडिशा में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तोड़ा गठबंधन, अकेले लड़ने का किया ऐलान। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा, एक युवक की गई जान। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएगी आरएलडी। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, भड़काऊ भाषण मामले में 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई। मराठा आरक्षण को लेकर होगा बड़ा घटनाक्रम, राज्य सरकार ने 15 फरवरी को बुलाया विशेष सत्र। शादी का झांसा देकर होटल में युवती के साथ किया रेप, युवती का आरोप पत्नी बनाकर रखने का किया था वादा, फिजिकल रिलेशन बनाने का बनाया दबाव। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग, धुएं का गुब्बारा देख सहम उठे लोग, सामने आया भयानक वीडियो। झज्जर में छात्रा को किया किडनैप, रेप करके हत्या, पटरियों पर बिखरे मिले लाश के टुकड़े। राजस्थान सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, 5 गौवंशों की मौत और 13 लोग घायल। आज सोने और चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 58,000 रुपए तोला तो वहीं चांदी 74,500 रुपए किलो। भारत के शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, सेंसेक्स 723 अंकों से गिरकर 71,428 अंकों पर हुआ बंद।